ग्रेविटी जो है यहाँ उल्टा वर्क करता है भाई। ऊपर से हर एक चीज नीचे आता है लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा हो गया भाई। ये तो अलग ही चीज हो रहा है भाई। मतलब ये 185 मीटर डिस्टेंस तय करता है नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक। पानी में चलो नाव बहा के देखते भाई। ये है अपना नाव, हमने देख लिया उल्टा पानी। और मेहता पॉइंट यार खतरनाक पॉइंट है, सोचे क्या थे और है क्या, ये देखो भाई। वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भाई, हम लोग बिलासपुर से आए हैं मेन पार्ट घूमने के लिए। तो अभी होटल से जस्ट हम लोग निकले हैं बाहर घूमने के लिए शाम के 5 बजे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया भाई, बूंदाबांदी शुरू हो गया है। और अभी हम लोग बारिश में ही जा रहे हैं भाई घूमने। कहाँ जा रहे हैं भाई? उल्टा पानी, वहाँ पानी जो है उल्टा बहता है ऐसा बोलते हैं। तो देखते हैं कितना बाद में सच्चाई है क्या है, वो पहुँच के पता चलेगा। और थक गए थे भाई आते टाइम, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया अपने को निकलने पे, लेकिन सही है, धूप जो है ख़त्म हो गया है, देख सकते हो मौसम जो है पूरा ठंडा हो गया भाई। और वैसे भी यहाँ मौसम जो है काफ़ी ठंडा है ना यार, आज उधर बहुत धूप था लेकिन इधर सही है। और एक चीज़ और कि अभी हम लोगों ने अपना हेलमेट जो है लाना भूल गया यार रूम से जल्दबाजी पे, नहीं तो हेलमेट लेके आया यार। नहीं है, लाए नहीं है, मैं भूल गया हूँ, ये तो लाया ही नहीं है भाई, मैं भूल गया हूँ अपना। आराम से जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई? सपनादर, सपनादर में जा रहे हैं भाई हम लोग सपने में खोने के लिए। भाई यहाँ ना पराली को ऊपर पे रखा गया भाई, देखो इस प्रकार से बना के नीचे ना रख के ऊपर रखा गया है। और इसका ऊपर रखने का कारण क्या हो सकता है? ऊपर जो है शायद पराली को रखते फिर नीचे जो है गाय बछड़े को बांधा जाता है, यही रीजन है क्या भाई? पता कैसे है नीचे में क्या पड़ेगा, पानी पड़े नीचे में ना पड़े, मतलब नीचे में कुछ रखने का साधन बन जाए ऐसा करके। मोस्टली सभी घरों पे यहाँ से है अपना जाने का उल्टा पानी जाने का रास्ता, ये देख सकते हो यहाँ देव झरना वो सब उधर है भाई, उल्टा पानी जाएगा इधर और क्या है मुर्गा घोघरा पॉइंट। चलो इधर चलते हैं भाई साहब, यहाँ से उल्टा पानी यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चलो 4 किलोमीटर और चलते भाई, अंदर 4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। कोई पब्लिक है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं, हम ही बस बचेंगे वहाँ, ऐसा लगता है। ये देखो सब आ रहे हैं उधर से भाई, ये धूल उड़ा दिया यार। हम लोग जहाँ जा रहे हैं गाँव है भाई। हाँ ऐसा विलेज है, सब आ रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं। उल्टा पानी में हम लोग का टाइम भी उल्टा हो गया, सब लोग के आने का टाइम हम लोग को जाने का टाइम। ये आप मेन पार्ट में है भाई साहब, उल्टा पानी दर्शनीय स्थल आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये देख सकते हो काफी लोग आए हैं भाई यहाँ, और गाड़ी खड़ा किया हम लोगों ने यहाँ। इधर कुछ खाने का सामान मिलता है भाई सामने साइड उधर। चलो भाई साहब इधर चलते हैं, ये देखो ये जो देख रहे हैं ना पानी जो आ रहा है यही है उल्टा पानी। अच्छा ऊपर से ऐसा नीचे, आप लोग देख सकते हो भाई ऐसा इधर जो है ऊपर है, मतलब ऐसा ऊंचे है, इधर जो है नीचे है, लेकिन पानी जो है भाई साहब इधर से मतलब इस साइड से उल्टा ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है, क्या चीज़ है ये। ये देखो ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है ये, ओहो गजब है भाई, क्या ग्रेविटी है पानी में यार, वाह गजब है भाई।
खतरनाक। इस साइड जो है जबकि नीचे है, अरे देखो इधर नीचे है इधर ऊपर है, लेकिन पानी उल्टा जा रहा है ऐसा नीचे से ऊपर साइड। ऐसा हो क्यों रहा है समझ नहीं आ रहा भाई, ग्रेविटी जो है यहाँ उल्टा वर्क करता है भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं तो न्यूटन के अनुसार ऊपर से हर एक चीज नीचे आता है लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा हो गया भाई। साहू कुछ बोलना चाहेगा इस पर? अद्भुत नहीं अद्भुत यार, क्या कारण हो सकता है इसका भाई? यहाँ से देख ऊंचाई, इधर देख उधर देख, बरोबर देख सकते हो भाई, उधर का ऊंचाई देख सकते हो आप लोग काफी ऊंचे है, और इस साइड को देख सकते हो इधर पूरा नीचे है और पानी जो है बरोबर जा रहा है भाई। और बहुत मतलब सुना था भाई इसके बारे में, उल्टा पानी। अब मैं सुनता था ना तो मेरे को भी ऐसा लगता है शायद बोलते बस होंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं करके, लेकिन अभी रियल में देख रहे थे तो अलग ही चीज़ हो रहा है भाई साहब। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ कि ये पानी जा कहाँ तक रहा है। वैसे आज वो आम पेड़ के पास से और इधर कितना दूर तक जा रहा है भाई देखते हैं, चलो ऊपर के साइड चलते हैं, काफ़ी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं पानी जो है, ये देखो ऊपर जो है ऊंचा है भाई, इधर चलते हैं आगे। इधर जो है पानी का थोड़ा सा स्लो हो गया भाई, पता नहीं चल रहा है उधर से ज़्यादा ऐसे ऊपर चल रहा था वैसा दिख रहा था, इधर देखो पानी जो है रुक गया, थम्स आ गया है यहाँ, और ये पूरा लास्ट छोर है, देखो इस पर लिखा गया भाई अंतिम छार 185 मीटर, मतलब ये 185 मीटर डिस्टेंस तय करता है भाई नीचे से लेके पूरा ऊपर तक ऐसा चढ़ने के लिए, फिर उसके बाद ये रुक जाता है। ये देखो यहाँ से फिर पानी जो है रुक गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, थैमा हुआ है भाई पानी, इधर उधर से ऐसे इधर से इधर बह जा रहा है और रुका हुआ है, फिर उधर नहीं जा रहा है आगे, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा है। तो भाई साहब अभी अपन ये पानी में चलो नाव बहा के देखते हैं भाई, ये है अपना नाव देख सकते हो, ये जुगाड़ छाप मेरा नाव है, तो देखते हैं नाव ऊपर चढ़ता है नीचे से, तो यहाँ डालते हैं भाई नाव को, ये देखो ऊपर डालते हैं, ये अपना नाव और ये अपना नाव जा रहा है भाई ऊपर जा रहा है, देख सकते हो हम लोग, वो देखो धीरे धीरे नाव अटक गया यार वहाँ पास, नहीं जा रहा है नाव धीरे धीरे जा रहा है बाहर, इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा सही तरीके से रास्ता, अरे मेढक है क्या आगे सोच रहा है पानी पे, घास फूस है तो उसमें जाके अपना नाव जो है अटक जा रहा है, लेकिन ऐसा बहुत लोग बोलेंगे कि हवा की वजह से जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में हवा की वजह से नहीं है भाई, ये पानी ना नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ये हवा नहीं चल रहा था ना फिर भी पानी नीचे से ऊपर जा रहा था, और ये लगभग पहले ही बताया हम लोग को 185 मीटर तक जा रहा है भाई, मतलब नीचे से लेकर ऊपर उसका डिस्टेंस है 185 मीटर, फिर उसके बाद उसके ऊपर से पानी जो है थम गया है रुक गया है भाई, और अभी तो हो गया भाई यहाँ का जितना घूमना था अपन ने देख लिया उल्टा पानी, अब इधर से अपन वापस चलेंगे साहू, नेक्स्ट किधर जाएंगे भाई अभी है? वापस होटल उल्टा पानी के बाद हम लोग जा रहे हैं भाई मेहता पॉइंट। अब पता नहीं कैसा जगह है, उस जगह के बारे में कितना पता नहीं भाई क्या चीज़ है, लेकिन पास ही में है 2 किलोमीटर, मैं ऐसा करके बताया ना तो जा रहे हैं कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं टाइम था मेरे पास, तो देख के आते भाई क्या जगह है कैसा चीज़ है। चलो बाकी गाड़ी वाले लोग भी जा रहे हैं, कार भी देख सकते हो इधर, और पैदल भी जा रहे हैं लोग यार। दोस्तों 2 किलोमीटर है करके हम लोग भाई 5 किलोमीटर आगे आ गए यार, और मेहता पॉइंट यार खतरनाक पॉइंट है, सोचे क्या थे और है क्या, ये देखो भाई यही है मेहता पॉइंट, ये देखो पूरा मेहता पॉइंट मतलब कि खाई सुसाइड पॉइंट है यार, ये मेहता पॉइंट नहीं सुसाइड पॉइंट, ये दादा आराम से भाई, ये देखो चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा है भाई पूरा, ये देखो धुआं दिख रहा है पूरा, यही है मेहता पॉइंट। कैसा अबे साले भाग गया, कैसा लगा मेहता पॉइंट? एक नंबर, बहुत बढ़िया, धुआं ही धुआं, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा है भाई, यही है, इसी को देखने के लिए आए थे। और एक चीज़ और ठगी हो गया हम लोग के साथ कि भाई 2 किलोमीटर है करके बोल के आए थे लेकिन पड़ गया अपने को 7 किलोमीटर, अब फिर से 7 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, इसी को देखने के लिए इतना दूर आए थे केवल ये खाई को देखने के लिए आए थे यार, लेकिन नज़ारा तो है भाई, नहीं मतलब जगह अच्छा है, बढ़िया लग रहा है देखने पे। तो चलो अब इधर से निकलते हैं वापस, दिनों अब सीधा वहाँ जाओ होटल, अब सीधा अपन अपने होटल पे चलते हैं भाई जहाँ अपना रहवास केंद्र है,
है ना, तो निकलते हैं इधर से। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग अपने होटल पे, मतलब जहाँ रुके वहाँ, ये देख सकते हो भाई इस होटल पे रुके हम लोग। और भाई जो है बाइक को खड़ा कर रहा है वहाँ। अभी चलते हैं अपन अपने रूम के अंदर भाई, चल। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 9:15 और अभी भाई साहब हम लोग पूरा घूम के आ चुके हैं अपने रूम के अंदर। ये देख सकते हो भाई, मतलब होटल का रूम है, हम लोगों ने लिया हुआ है इसको भाई रेंट पे। 1000 रुपये है भाई एक नाइट के इसका जो है भाड़ा। तो ठीक है यार, मतलब रूम के हिसाब से सही है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा महंगा है भाई, लेकिन क्या कर सकते, घूमने आए तो रहना तो पड़ेगा। और अभी देख सकते हो हम लोगों ने खाना मंगाया भाई, तो चावल दाल, और ये दाल जो है ना ये बाल्टी पे आया भाई, छोटा वाला बाल्टी पे, और ये वाला अंडा भुर्जी तरी, तो तरी बोल रहा था मैं, तरी भाई, तो मैं तो खाता नहीं यार, मैं वेजिटेरियन आदमी, ये खाएगा इसको अंडा भुर्जी तरी को, ये भाई खाता है। मैंने अपने लिए दाल भात मंगाया, देखो दाल भात नहीं मैं नहीं खा भाई, कौन पता है नहीं मैं बंद कर दिया ना, पहले खाता था लेकिन अभी बंद कर दिया भाई। तो अभी अपन खाएंगे दाल भात और वो खाएगा रोटी। और चलो भाई साहब फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे यार। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साहू जी, बाय बाय।